खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और लीजिए, आज तो महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का पेच फंस सकता है, क्योंकि पहली बार एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक दिया है। एनसीपी के नेता सुनील तटकरे ने कहा है कि शिवसेना कुछ भी कहे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के सांसदों में सिर्फ दो का अंतर है। तो मुख्यमंत्री पद का दावा एनसीपी की तरफ से भी किया गया है। सुनील तटकरे ने ये दावा पेश किया है। उनका कहना है कि हमारे नंबर में और शिवसेना के नंबर में सिर्फ दो सांसदों का फर्क है, 56 उनके पास है तो 54 हमारे पास है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री भी हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी सांसद सुनील तटकरे। सर, महाराष्ट्र में सरकार की रणनीति आप लोगों की, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन क्लियर हो गया है? देखिए, इसके बारे में अधिकृत घोषणा हो जाएगी, अभी तक मैं ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन पर्याय सरकार देने के लिए हम तय किया गया है। उसका मॉडलिटीज, उसके और कुछ, कौन से पार्टी के कौन से कितने अंदर रहेंगे मिनिस्टर, ये तो बात अभी चर्चा करनी है। अभी मतलब ये चर्चा नहीं हुई है कि किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा सरकार में, अभी इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है? अभी हो जाएगी, दोपहर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 6 जनपद आ जाएंगे, वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस की वहाँ पे चर्चा हो जाएगी, और फिर उसके बारे में अगली बातचीत जो करना है वो बातचीत वहाँ पे हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 2 बजे बैठक है, 2 बजे जो चर्चा है, वो खास तौर पर ये किस पार्टी के पास में कौन सा मंत्री पद होगा, कौन सा पोर्टफोलियो होगा, इसको लेकर के है, शायद हो सकता है। उसके साथ में ये एक और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा चल रही थी, क्या 2.5 साल का कुछ ऐसा? देखिए, हमारे तो मांग तो रहेगी, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ चर्चा नहीं हो गई है, उसके बारे में तय किया जाए। सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 5 साल के लिए हमारा होगा। देखिए, वो उनकी मांग है, हमारी जो मांग है, क्योंकि हमारी संख्या और शिवसेना की संख्या में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन इसके बारे में अभी तक चर्चा हो नहीं गई है। आप लोग चाहेंगे कि जो है आपको भी पार्टी की मांग है, लेकिन बाद में देखेंगे ना, आदरणीय पावर साहब तय करेंगे उसके बारे में, वो सवाल नहीं। यानी साफ तौर पर एनसीपी सांसद का यही कहना है, क्योंकि हमारी यानी कि एनसीपी और शिवसेना के जो सांसदों की संख्या है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 का अंतर है, लिहाजा मांग हमारी भी होगी कि हमको भी जो है मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, आधा कार्यकाल के लिए ही सही, लेकिन अंतिम फैसला शरद पवार लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि 2 बजे जो बैठक होनी है, उसमें जो एक अहम चर्चा का मुद्दा है वो है कि किस पार्टी के पास में कौन सा मंत्रालय होगा, कितने मंत्री पद उसको मिलेंगे, ये एक चर्चा का एक अहम मुद्दा होगा। कैमरा पर्सन संजीव कापड़ी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ब्रेकिंग न्यूज इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, महाराष्ट्र में सरकार का पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी के सुनील तटकरे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हमारा भी हो सकता है, सिर्फ 2 ही की संख्या तो कम है। जी हाँ, बिल्कुल। तो रोज नित नए कुछ ना कुछ जो है इसमें घटनाक्रम जुड़ते जा रहे हैं, इस पर नजर बनी रहेगी।